अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वे टेक्नोलॉजी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि राइटर बे पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो किन किन वजूहात की वजह से आपको राइटर बे की तरफ से अप्रूवल जो है वो नहीं मिलती है। बहुत ज़्यादा लोग जो है राइटर बे की टेस्ट की जो मेरी वीडियो थी उस पर कमेंट कर रहे थे कि राइटर बे पे हमें अप्रूवल ही मिलती है, या फिर वो ये कह रहे हैं कि आप नेक्स्ट मंथ अप्लाई करें क्योंकि जो है इस टाइम जो है ना हम आपको हायर जो है ना वो नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगी किन किन वजूहात की वजह से, जस्ट राइटर बे ही नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगी जो डिफरेंट फ्रीलांसिंग की राइटिंग की वेबसाइट्स है वो भी आपको क्यों अप्रूवल नहीं देती, आप कहाँ पर मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से आपको जो है फ्रीलांसिंग राइटिंग की वेबसाइट पर अप्रूवल जो है वो नहीं मिलता। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है ना आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। बात ये हो रही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को ये कहा जाता है कि जी आपकी जो है ना वो राइटर बे पे अप्रूवल नहीं हुई और आपको ऐसे जो ईमेल जो है वो आपको आती है कि जी आपने सारा कुछ अप्लाई किया है लेकिन जो है हम लोग जो है ना आप हमारे क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरे। तो वो क्या क्या बातें वो आपसे कहते हैं जब आपकी अप्रूवल नहीं होती है। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन अवर कंपनी, वी अप्रिशिएट द टाइम एंड एफर्ट यू हैव पुट इनटू योर एप्लीकेशन, वी हैव नंबर ऑफ क्राइटेरिया ऑब्लिगेटेड टू बी मीट बाय एप्लीकेंट इन ऑर्डर टू अप्रूव फॉर फ्रीलांसर राइटर पोजीशन इन अवर कंट्री। इट इंक्लूड्स अ ऑथेंटिक एंड वेरिएबल एकेडमिक सर्टिफिकेट, बाजुका जो है आप अपना जो है वो ऑथेंटिक जो आपकी जो डिग्री होती है बैचलर डिग्री वो आप सही से अपलोड जो है वो नहीं करते हैं, उसकी वजह से भी आपकी अप्रूवल नहीं होती है। सेकंड, अप्रोप्रिएट राइटिंग स्किल्स, ज़्यादातर जो है ना 70-80% ना जो अगर आपकी राइटर पे अप्रूवल नहीं होती है ना तो उसकी वजूहत यही होती है कि आप अप्रोप्रिएट राइटिंग स्किल्स आपकी सही नहीं होती है। आप जो अपना राइटिंग स्किल जो आपको वो टास्क देते हैं अगर आप उसको अच्छी तरीके से जो है वो फिलअप नहीं करते, उसको अच्छी तरह राइट डाउन नहीं करते तो उसकी वजह से भी वो आपको हायर नहीं करते, क्योंकि वो आपके जो राइटिंग टास्क होता है ना उससे आपको जज कर लेते हैं कि आपके जो इंग्लिश बोलने की कैपेबिलिटी है वो कितनी है, आपका कितना लेवल है इंग्लिश के बारे में लिखने का, तो वो आपकी राइटिंग जो आपने लिखकर सेंड किया होता है उससे भी वो लोग जज कर लेते हैं। और ये भी बात यहाँ बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं राइटर पे कॉपी पेस्ट जो है ना गूगल से उठाया, गूगल से सारा उठाकर राइटर पे पेस्ट कर दिया, चले जी हमने तो एप्लीकेशन सेंड कर दी, लेकिन ऐसी बहुत गलतियाँ आप कर जाते हैं क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्री है, ये यूनाइटेड स्टेट है, ठीक है, ये इंटरनेशनल वेबसाइट्स है, यहाँ पे वो ना उनके पास इतने ज़्यादा टूल्स होते हैं और सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे वो जो है ना वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसने जो है वो गूगल से कॉपी पेस्ट मारा हुआ है या खुद राइट डाउन किया हुआ है, इसकी वजह से भी आपकी अप्रूवल नहीं होती है। तो इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि आपने किस तरह से अप्रिपेयर जो है ना अपना राइटिंग टास्क ना उनको सेंड करना है। फिर उसके बाद जो कह रहे हैं वैलिडिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड प्रीवियस एप्लीकेशन हिस्ट्री। अब ये बात यहाँ पे ये भी बता दी जाऊँ कि आपका क्या होता है कि जब आपने पहले अकाउंट भेजा होता है सब कुछ लेकर सेंड किया होता है, आपको जैसे ये वाली ईमेल आती है कि जी आप अप्रूवल आपको नहीं मिली, आप क्या करते हैं आप दोबारा से अप्लाई करते हैं। जब आप दोबारा से अप्लाई करते हैं ना तो वो उनके पास जाहिर बात है डाटा सारा पड़ा होता है, तो ये क्या करते हैं कि वो लोग जो है आपके प्रीवियस से चेक कर लेते हैं कि इसने पहले भी अप्लाई किया था, ये पहले भी जो था फेल हो गया था, अब ये दोबारा जिसने अप्लाई किया तो इसके अंदर जो है ना जाहिर बात है उसने फर्स्ट टाइम ही उन्होंने आपको जज कर लिया कि आपकी राइटिंग एबिलिटीज किस तरह की हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ना आपको मैं ये भी बताऊंगी कि अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ है ना तो दोबारा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। एंड ओवरऑल टेस्ट स्कोर तो डेफिनेटली अगर आप राइटर पे का टेस्ट पास कर लेते हैं, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि मैंने आपको वीडियो में टेस्ट भी पास करके दिखाया हुआ है कि राइटर पे का टेस्ट आपने किस तरह से जो है ना वो पास करना है। अब हम लोग थोड़ा जो है थोड़ा इसको सीखते हैं, अपनी जो हमारी मिस्टेक्स हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं हम कहाँ पे जो है ना वो मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो है फर्स्ट आपका टास्क जो है वो अकेडमी राइटिंग का ट्यूटोरियल का वो आपने पास कर लिया, वो आपने अच्छे से पास कर लिया, वो तो आपको ऑन द स्पॉट ही पता चल जाता है कि जो मैंने लिखा है वो मेरा टेस्ट पास हो गया, वो आपको खुद ही बता देता है कि आपने टेस्ट जो ना वो क्लियर कर लिया है। सेकंड जो है आपका राइटिंग प्रॉम्प्ट होता है, यू विल हैव टू चूज वन आउट ऑफ टू क्वेश्चन, यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन दिए जिसमें आपने एक लिखना होता है 100-150 वर्ड्स का और उसके लिए आपको 15 मिनट दिए जाते हैं। अब आपको ये भी मैं बताती जाऊँ कि बहुत ज़्यादा जो है लोग अप्लाई करते हैं राइटर पे का लेकिन वो ऐसे जो राइटर नहीं होते, क्योंकि जो तो कंटेंट राइटिंग करते हैं उनके लिए तो ये बिग टास्क नहीं है, लेकिन बहुत से न्यूबीज हैं वो भी अप्लाई करते हैं तो उनको ये समझ नहीं आती राइटिंग प्रॉम्प्ट किस तरह लिखे, वो सिंपल क्या करते हैं जो उनको टॉपिक मिला होता है ना राइटर पे की तरफ से वो पकड़ते हैं,
कॉपी करते हैं गूगल से, फेंक देते हैं क्योंकि 15 मिनट का टाइम होता है। तो उसका मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन बताती हूँ, क्योंकि जब भी आप जो है वो कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको कभी भी हायरिंग नहीं मिलेगी। मैं आपको बार बार ये बात कहती हूँ कि बहुत ज्यादा लोग जो है ना कि मिस्टेक करते हैं, गूगल से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, गूगल से कॉपी पेस्ट करने के बाद जो है ना वो थोड़ा सा प्लेजरिज्म को रिमूव कर देते हैं। प्लेजरिज्म रिमूव करने के बाद भी ना उनको यहाँ पे अप्रूवल नहीं मिलती। उसकी वजूहत क्या है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा फ्री टूल जो है ना हम यूज करते हैं ना, बहुत ज्यादा उन टूल्स पे भी हमारा प्लेजरिज्म आ जाता है। तो मैं आपको एक ऐसा टूल जो है ना वो बताने जा रही हूँ। ये टूल जो है ये पेड टूल है, ठीक है। ये पेड टूल है, हम इसको जो है ना थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देख लेते हैं। टर्नटिन, ठीक है। ये जो है ये एक टूल है, ये थोड़ा पेड है, ठीक है। ये जितनी भी बाहर की फ्रीलांसिंग वेबसाइट है ना उनके पास यही टूल होता है, वो यही से ही जो है ना वो आपका चेकआउट कर लेते हैं कि इसने जो है वो इसका कहाँ पे प्लेजरिज्म आ रहा है, इसने कहाँ से पकड़ के डाटा कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो ये आपके सामने टूल है, जितनी भी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है वो इसी टूल से चेकआउट करते हैं। और ये पूरा जो है ना वर्ल्ड वाइड टूल है, जितने भी बाहर की कंपनीज है इसी टूल को यूज करती हैं प्लेजरिज्म को चेक करने के लिए कि जो हमने इसको टास्क दिया हुआ है इसने प्लेजरिज्म बेहतरी फेंका हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं प्लेजरिज्म रिपोर्ट विद पावरफुल रिजल्ट। अब आपको ये बात बताती हूँ कि आप जो है ना बाजू का फ्री टूल से प्लेजरिज्म रिमूव कर देते हैं, ठीक है, फ्री टूल से प्लेजरिज्म रिमूव कर देते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 10-5% प्लेजरिज्म आपका टेक्स्ट में रह जाता है। और आप ये देख रहे हैं आपके सामने मैंने टूल ये ओपन किया हुआ है, तो ये जो है ना ये ऑथेंटिक टूल है, जो कि बाहर की कंट्रीज वाले भी यही टूल यूज करते हैं प्लेजरिज्म को चेक करने के लिए। तो अब ये जो है आपका प्लेजरिज्म सही मायनों में चेक करता है, लेकिन फ्री वाले जो है ना वो इतने ऑथेंटिक नहीं होते जितने अच्छे, फ्री वाला भी आप यूज कर सकते हैं लेकिन वो इतने ऑथेंटिक नहीं होते। जो पेड होते हैं ना वो ज्यादा अच्छे टूल्स होते हैं, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं इनके की फीचर्स क्या है, कलर कोडिंग फिल्टर्स एंड सोर्स कंपैरिजन फॉर ईच इंटरप्रिटेशन डाटा इनसाइड शो डेलिब्रेट टेक्स्ट मैनिपुलेशन, ठीक है। अब ये क्या करें, फिट्स सीमलेसली इंटू योर इकोसिस्टम। अभी थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, विच प्लेजर सोल्यूशन इज राइट फॉर यू। तो ये टूल जो है ना लोग जो बाहर की कंट्री वाले हैं ना इस टूल से पता कर लेते हैं कि आपने गूगल से कॉपी पेस्ट मारा हुआ कि नहीं मारा हुआ। तो उसका मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ, ये जो हमारा स्टेप टू है उसका मैं सोल्यूशन बताने जा रही हूँ। एक और टूल है उसका नाम है क्विल्ट बोर्ड। जितने भी जो कंटेंट राइटर है ना पाकिस्तान में या इंटरनेशनल है, वो ज्यादातर इसी टूल को यूज करते हैं प्लेजरिज्म खत्म करने के लिए। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, पैराफ्रेज करता है। जो भी आप जो डाटा उठाएंगे ना उसको पैराफ्रेज करेगा। ये जो है ये स्टैंडर्ड में ये फ्री है, ठीक है, और ये फ्लुएंसी में भी फ्री है। लेकिन जब अगर आप इसका फॉर्मल चाहते हैं या सिंपल चाहते हैं या क्रिएटिव चाहते हैं तो वो उसको आपको बाय करना पड़ेगा। मैं आपको ये यहाँ पे एक मशवरा दूंगी कि आप जो है ना अगर आप जो है ना राइटर पे अप्रूवल चाहते हैं, राइटर पे क्या बहुत ज्यादा फ्रीलांसिंग वेबसाइट बड़ी बढ़िया राइटर पे की तरह वहां पे अप्रूवल चाहते हैं, तो आप थोड़ी सी जो है ना वो इसके लिए स्ट्रगल कर लें, या फिर आप जो है ना ये टूल जो है ना वो आपको दराज से भी मिल जाते हैं कम कीमत में, 200-250 आपको मिल जाते हैं। तो मैं आपको सही बता रही हूँ, अगर आप फ्री में यूज करेंगे ना तो आपका लाजिम प्लेजरिज्म आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, आपको यहाँ पे जो भी टास्क मिलेगा जो 15 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है, वो टास्क आपने गूगल पे जाकर लिखा, जो आपको डाटा वहां से मिलेगा वो आपने लाकर क्विल्ट बोर्ड के अंदर पुट कर देना है। किसके अंदर, क्विल्ट बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो फिर यहाँ पे वो आपका क्या कर देगा, प्लेजरिज्म रिमूव कर देगा। जब यहाँ से प्लेजरिज्म रिमूव कर देगा ना, तो फिर आप ये वाला टूल जो है जो मैंने आपको बताया इससे आप प्लेजरिज्म चेक कर लेगा, क्योंकि 15 मिनट्स काफी होते हैं। क्योंकि अगर स्टेप टू में आपने कॉपी पेस्ट वर्क करना है, ठीक है, तो कॉपी पेस्ट वर्क में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं और आपको 15 मिनट का टाइम मिला हुआ। तो जो आप कॉपी पेस्ट करें पहले आप उसको पैराफ्रेज करें, उसको पैराफ्रेज करने के बाद आप उसको यहाँ पे क्या कर लें, उसका प्लेजरिज्म जो है ना वो इजीली से आप चेक कर लें, ठीक है। फिर अब बात आती है यहाँ पे के जो है अब हमारे टास्क थर्ड की बारी आती है। तो हम लोग हमारे टास्क थर्ड जो है वो ये है कि हमने क्या करना है, हमने स्टेप थ्री पे क्या लिखना है, ऐसे लिखना है जिसमें आपको You will have to complete a sample essay on one of the two topics. It should contain 275 to 350 words and formatted according to the indicated formatting style. AP or AMLA. बहुत ज़्यादा लोग जो है जो राइटर पे अप्लाई करते हैं लेकिन उनकी जो है मिस्टेक वो ये होती है कि वो गूगल से एक तो गूगल से पकड़ कॉपी पेस्ट करते हैं, सेकंड वो उसकी फॉर्मेटिंग नहीं करते हैं, ज़्यादा न्यूबीज ऐसे करते हैं। तो फॉर्मेटिंग AP और MLA कहीं भी कॉन्टेंट राइटिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको फॉर्मेटिंग जो है वो लाजमी आनी चाहिए, ठीक है। तो आपने एक फॉर्मेट बना के देना है। और ये जो है स्टेप थ्री, अगर आप ये समझते हैं कि स्टेप थ्री पे जो है वो मुझे जो है ये भी ड्राफ्ट जो है वो अगर आप नहीं कर सकते हैं
तो उसका मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ कि आप किस तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक सोल्यूशन आपको बता दिया, आप क्विल्ट बोल्ट जो है वो टूल उसको बाय कर लें, उसको बाय करके गूगल से कॉपी पेस्ट करके यहाँ से उसका प्लेजरिज्म जो है ना वो रिमूव कर लें। एक तो तरीका मैंने आपको ये बता दिया। सेकेंड तरीका जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि आप जो है एक टूल है उसका उसका क्या नाम है चेक, एक चेक ठीक है, ये टूल है, ये भी एक जो है ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे आपने क्या करनी होती है, ये भी जो है वो पेड है ठीक है, यहाँ पे आपने सब्सक्रिप्शन लेनी होती है इस इसकी चेक की। तो ये भी क्या करते हैं, ये भी आपको टास्क जो है ना वो विद इन टू डे जो है ना वो कंप्लीट करके देते हैं। तो ये प्लेजरिज्म भी चेक करता है ये टूल जो है ना। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टूल को, यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको जस्ट बताना है कि मेरा टॉपिक ये है, इसने आपको सारा कुछ लिख कर दे देना, ये भी जो है वो पेड है। अगर आप जो है खुद लिखना चाहते हैं तो खुद भी इसको लिख कर जो है ना वो रिमूव कर सकते हैं क्विल्ट बोल्ट की हेल्प से, वो मैंने आपको बताया। अगर आप खुद भी नहीं राइट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ऑथेंटिक आपको जो है वो चीज़ अवेलेबल हो, क्योंकि देखिए अगर आप राइटर पे भी अप्रूवल लेना चाहते हैं ना तो आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अगर आप पहली बात ये कि आप खुद राइट करें, रीराइट करें ठीक है, अगर आप रीराइट नहीं कर सकते ना और अगर आप इसी तरह कॉपी पेस्ट करके कर देंगे तो हर दफ़ा आपका अकाउंट जो है ना वो जो है ना अप्रूव नहीं होगा ठीक है। ये छोटी छोटी जो गलतियां जो हम लोग करते हैं, एक तो प्लेजरिज्म वाला कंटेंट उठाकर फेंक देते हैं, दूसरी इसकी फॉर्मेटिंग नहीं अच्छी करते हैं, थर्ड ये है कि एक तो आपको मैंने चेक बता दिया, सेकंड ये है कि आप जो हैं अगर चाहें तो आप जो अच्छे राइटर्स हैं आप फाइवर से भी राइटर्स जो है ना वो राइटर्स को आप ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड बेशुमार राइटर्स मिल जाएंगे, तो आप सिंपल ये कर ले क्योंकि ये लोग जो है ये ऑथेंटिक है और रिलायबल है। फाइवर एक रिलायबल एक कंपनी है, तो आप फाइवर से भी जो है यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट और रिक्वेस्ट की आपको टैब नजर आ रहा है, पोस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप जिस तरह फाइवर से ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे आपने लोगों को कंटेंट राइटर को ऑर्डर देना है कि मेरे 350 वर्ड्स हैं, मुझे आपने प्लेजरिज्म फ्री लिख कर देने हैं। तो यहाँ पे देखें बेशुमार कंटेंट राइटर बैठे हुए हैं जो आपका काम जो है ना वो आपको करके देंगे। उसके अलावा आप उसको कह सकते हैं कि ये जो टूल है टंटिन, ये टूल जो है इसको जो आप जो है ना इस जो जो आपका क्लाइंट आपका काम करेगा उसे कहेगा मुझे इसकी रिपोर्ट भी शेयर करें, क्योंकि इसकी रिपोर्ट होती है, मेरा तो इन सब चीज़ों में एक्सपीरियंस है ना क्योंकि मैं खुद एक कंटेंट राइटर हूँ। तो यह इसकी एक रिपोर्ट होती है जो आपको प्रोवाइड करते हैं कि इसके अंदर कितने परसेंट प्लेजरिज्म है, तो आप फाइवर से भी लिखवा कर अपना जो जिससे आप जो है सेलर है फाइवर पे आप उसे कहें कि भाई मुझे रिपोर्ट भी प्रोवाइड करें ठीक है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से हम लोगों का क्या हो जाता है अप्रूवल नहीं मिलती है ठीक है। फिर स्टेप फोर है उसमें क्या करना होता है, आपने सैंपल्स बाजूकात ऐसा होता है कि हम लोग राइटर पे अप्लाई करते हैं लेकिन हम लोग सैंपल वर्क नहीं सेंड करते, बेशक ये सैंपल वर्क ये ऑप्शनल है लेकिन आपने इसको लाजमी सैंपल वर्क सेंड करना है। ये सैंपल वर्क आप किसी से भी मतलब अपने कोलीग्स वगैरह से बनवा ले अगर आपको काम नहीं आता, और अगर आप खुद कंटेंट राइटर हैं तो आपके जो सैंपल पड़े होंगे ना वो आप सैंपल यहाँ पे ऐड कर देगा, लेकिन कोशिश करेगा सैंपल भी MLA और APA के अंदर ही आप जो है ना पुट करें ठीक है। तो सैंपल से भी आपको देखिए अगर आप सैंपल के बगैर एप्लीकेशन सेंड कर देंगे तो इसमें बड़ा बैड वो उनके ऊपर इंप्रेशन पड़ता है कि इसने सेंड ये राइटर है लेकिन इसके बाद कुछ सैंपल वर्क कोई नहीं पढ़ा हुआ। ये भी छोटी छोटी चीज़ें ना वो हमारी काउंट करते हैं कि हम लोग जो है वो सैंपल वर्क ऐड कर, बेशक उन्होंने ऑप्शन रखा हुआ लेकिन इसको आपने लाजमी जो है ना वो ऐड करना है। फिर CV का तो आपको पता है जब CV आप बनाते हैं तो CV में आपने जो है ना आपने ग्रेजुएशन से रिलेटेड बहुत कम बातें लिखनी होती है, CV में आपने ज़्यादा बताना होता है जो कंटेंट राइटर की स्किल्स होती हैं, लाइक उसका जो आप SEO ऑप्टिमाइज कंटेंट लिखने की एबिलिटीज़ होती हैं, फिर कंटेंट क्रिएट करने की एबिलिटीज़ होती हैं ठीक है। जो सारी चीज़ें जो होती हैं ना इसके अंदर कंटेंट राइटिंग के अंदर कीवर्ड रिसर्च आपकी अच्छी होनी चाहिए ठीक है, तो वो आप सब चीज़ें इसके अंदर ऐड करने अगर आप कंटेंट राइटर हैं। पहली बात ये है कि कोशिश करें यहाँ पे अप्रूवल लेने की, यहाँ पे जब आपको एक दो अप्रूवल मिल जाती है ना फिर तो कोई मसला नहीं क्योंकि यहाँ पे तो ऑर्डर से ऑर्डर पड़े होते हैं, जब अप्रूवल मिल जाती है तो आप कंटेंट राइटिंग खुद भी सीख सकते हैं और यहाँ पे जो है ना वो काम कर सकते हैं। अब बात लास्ट मैं यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ कि आपको जब ये ईमेल आ जाती है ठीक है तो आप क्या करते हैं, आप उस ईमेल से दोबारा ट्राई करते हैं, उस ईमेल को दोबारा ट्राई ना करें जिससे आपने पहले राइटर पे अप्लाई किया हुआ है तो वो उसने ऑलरेडी आपका जो वो जीमेल है वो डिसेबल कर दिया है। सेकंड बात ये कि आप जो है आप दूसरी जीमेल बनाकर राइटर वे पे अप्लाई कर दें, लेकिन यहाँ पे ये भी आप बताती जाओ जब आप सेकंड जीमेल के साथ अप्लाई करते हैं ना तो डेफिनेटली आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम वही होता है तो उससे भी इनको पता चल जाता है क्योंकि इनके पास हमारा प्रीवियस डाटा पड़ा होता है। तो कोशिश करें अपने सिबलिंग्स में से
ठीक है, या कुलीग्स में से किसी का जो है ना वो नाम वगैरह यूज करके इसका लॉगिन ले लें, क्योंकि अगर आप जो है उसी नेम के साथ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे उन्होंने खुद बताया हुआ है कि आपकी प्रीवियस एप्लीकेशन हिस्ट्री से भी हम लोग जज कर लेते हैं कि आप जो है एलिजिबल हैं या नहीं, क्योंकि अगर आपको पहले अप्रूवल नहीं हुई तो सेकेंड पे भी जब अप्लाई करेंगे तो आपको ये इशू आएगा। लेकिन ज्यादातर जो लोगों को इशू जो आता है ना, इसी वजह से भी आता है क्योंकि उनके पास प्रीवियस डाटा हमारा पड़ा होता है। तो आप किसी और का सिबलिंग्स का यूज़ करके डाटा जो है ना यहाँ पे अप्रूवल ले सकते हैं। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।